subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हम हैं भोपाल के टीला जमालपुरा के सूबेदार कॉलोनी में, जहां पर 21 दिसंबर को दीपक मरावी की डेथ हो गई थी और फैमिली का ये एलिगेशन है कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन उनको लगाई गई थी, जबकि प्रशासन ये कह रहा है उनकी पॉइजनिंग से डेथ हुई है। आइए थोड़ा समझते हैं हुआ क्या था। मैम, उस दिन हुआ क्या था, कब से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी? 12 तारीख को वो काम पे गए थे मजदूरी करने पीठे पे। अब पीठे पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हमें नहीं मालूम कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए। उसके बाद में घर पर आए तो मैडम आकर वो नहाए धोए, अपने कपड़े भी खुद ही धोए, दूसरे दिन भी नहीं गए काम पे। उस दिन कहने लगे नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं नहीं जाऊंगा। उस दिन से वो घर से बाहर नहीं निकले, धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती गई अंदर ही अंदर, पर हमें नहीं बता रहे। तो मैंने कहा चलो, किसी को नहीं पता था इंजेक्शन लगा? छोटे बेटे को बताए थे कि इंजेक्शन लगवा के आया बेटा, मम्मी से मत बताना, नहीं तो मम्मी ने तो मना कर दिया था लड़ाई करेंगी, तो नहीं बताए। तो इसने मेरे को चुपचाप से बताया था, तो मैंने कहा ठीक है ठीक है। मैंने कहा आपने इंजेक्शन क्यों लगवाए? कहने लगे नहीं लगवा के आया, कौन बोलता है। बस यही बात हुई। इसके बाद में मैडम उनको धीरे धीरे मतलब तबीयत जो खाना पीना था वो धीरे धीरे कम होते गया, जो हाथ से गिलास भी नहीं भर पा रहे थे। तो हमने कहा चलो डॉक्टर को दिखा दें। उल्टी करने लगे ना मैडम तो झाक, पहले तो चक्कर आए तो लेटिंग बाथरूम तक वो दीवार पकड़ के जाने लगे। तो मैं लेटे रहे, फिर उल्टियां करे तो उसमें सफेद सफेद झाग निकल रहा था मैडम बहुत ज्यादा। तब हमने कहा कि चलो डॉक्टर के पास चलें, अब तो चलें। तो कहने लगे नहीं मेरे से ज्यादा मत बोलो, मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो नहीं गए मैडम इसीलिए। और 21 तारीख को धीरे धीरे 19 और 20 को तो उन्होंने पूरी तरह खाना पीना क्या पानी तक बंद कर दिए थे, और 21 तारीख को उनकी डेथ हो गई। मेरे पास फोन आया उनके बड़े बेटे का सूरज का कि मौसी मैं क्या करूं, पापा जी की बहुत ज्यादा तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस हो रहा है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है कि मैं क्या करूं। मैंने कहा उनको हॉस्पिटल लेके जाओ, डरो मत, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अच्छे हो जाएंगे। तो वो बाद में उन्होंने बताया कि इन्हें वैक्सीन वगैरह लगवाई थी। मैंने कहा कि हॉस्पिटल लेके जाओ, तो हॉस्पिटल से बाद में इन लोगों का फोन आया तो मैम ये दोनों लेके गए थे, दोनों बेटे उनके बड़े वाले। तो क्या हुआ क्या था हॉस्पिटल में, 21 तारीख को आप उनको लेके गए? 21 तारीख को ले गए थे हमने, फिर वो पोस्टमार्टम के लिए रख दिए थे उन्हें। फिर वो दो डॉक्टर साहब आए थे पीपल्स से, उन्हें वो आधे घंटे तक उसके अंदर रहे थे पोस्टमार्टम के सर के पास। फिर 22 को फोन ही नहीं आया, कोई का आ ही नहीं रहे थे सर। फिर आपने पूछा पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब मिलेगी? बोले 10 दिन बाद मिलेगी आपको। फिर आप 1 तारीख को गई थी? मैं 1 तारीख को गई थी मैडम। कहाँ? पुलिस स्टेशन। हाँ, ये टीला जमालपुरे के थाने गई थी। थाने में मुझसे कहा कि अभी नहीं मिलेगी, बोले कल परसों आना। तो मैं छोटी बहन को फोन करके बुलाई 1 ही तारीख को। हाँ, कि लक्ष्मी बहन तुम आ जाओ, ये रिपोर्ट नहीं दे रहे और मुझे परेशान कर रहे, कह रहे कल आना परसों आना। तो मेरी बहन आई, उन्होंने बात करी, एप्लीकेशन दी वहाँ पे थाने में लिख के कि इनको पीएम की रिपोर्ट दी जाए। तो सर ने बोला कि नहीं अभी नहीं, ये बाद में दी, इसमें पॉइजन निकला है तो इन लोगों ने जहर दिया है कि इन्हें जहर खाया है। मैंने कहा कि सामने वाले के पास जब इतने कोरोना काल में इन्हें कुछ नहीं खाया है तो फिर अभी तो सब स्थिति ठीक होने लगी तो आप क्यों खाएंगे? कोरोना काल में बहुत दिक्कत आई, बहुत ज्यादा दिक्कत आई, इन लोगों के पास काम नहीं था, खाने को नहीं था, कुछ भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने कैसे जुटाया अपना खाना ये तो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैं बाहर थी उस टाइम। तो मेरे पापा भी इन लोगों की हेल्प करते रहते हैंगे, वो भी एजेड हैं 75 ईयर्स के, तो उनसे भी इतनी उम्मीद हम नहीं कर सकते कि वो भी इनकी इतनी ज्यादा हेल्प करे। तो प्रशासन से यही चाहूंगी कि इन लोगों की हेल्प की जाए। लेकिन किस दिन आपको फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली? मैम 7 जनवरी। 7 जनवरी को कैसे मिली? हम लोग गए थे, फोन आया टीले थाने से, मम्मी गई थी, मम्मी लेकर आई थी जी। पहले तो दे नहीं रहे थे जी। जब मीडिया वाले आए उसके बाद मीडिया वालों ने हमें कहा कि आप कल जाकर ले लेना रिपोर्ट, तभी भी रिपोर्ट नहीं मिली मुझे। कहने लगे कल आना, रात को दस बजे तक बुलाए मैडम कि 10 बजे आना, 11 बजे आना, सुबह 11 बजे आना।
जिस दिन वो लोग ये मतलब मीडिया वाले आए थे उस दिन भी मैं गई थी, मीडिया खड़ी थी पर मैंने ध्यान नहीं दिया था, भीड़ मची थी। एक मैडम आई, कहने लगी आप कल आना, कल आपको रिपोर्ट मिलेगी, आप अभी जाओ। मैं आ गई मैडम। जाने के बाद में फिर सर का फोन आया, ये मीडिया वाले का, कि आपको रिपोर्ट मिली? मैंने कहा नहीं सर अभी नहीं मिली। फिर जाके मुझे मेरे बेटे के पास फोन आया था पुलिस वालों का कि आप पीएम रिपोर्ट ले जाओ। क्या लिखा था उस रिपोर्ट में? मैडम यही लिखा था कि पॉइजन लिखा है। मैम इतना पढ़ना भी नहीं आता, सही बताए तो उन्हीं ने बताया था हमें कि सस्पेक्ट पॉइजन है, तो वो और उसकी फिर से है ना जांच होगी, तो उसमें पुलिस वालों ने हमें ये बोला, कभी बोलते 8 महीने में आएगी उसकी रिपोर्ट, कभी 1 महीने में, ये मेरी मौसी जी से बोला था उस टाइम। तो क्यों, ये कैसे पता चला इंजेक्शन लगवाने गए थे और यहाँ के और लोगों ने भी इंजेक्शन लगवाया? मैडम वो जो यहाँ पे मजदूरों के लिए पीठा बनाया गया है सिंधी कॉलोनी में, वहाँ पे वो जाते थे काम ढूंढने के लिए, तो वहाँ सभी लोगों को एक दूसरे से पता चला कि पीपल्स हॉस्पिटल में 750 रुपए देके टीका लगाया जा रहा है। तो जीजा जी ने ये सोचा कि चलो इसी बहाने मेरे घर की हेल्प हो जाएगी, मुझे किराया भी देना है, घर का खर्चा भी चलाना है, तो 750 रुपए मजदूर के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है एक दिन का अगर मिल जाए किसी को। तो इसीलिए वहां से बहुत सारे लोग गए टीका लगवाने पीपल्स हॉस्पिटल। टीका लगवाने के बाद उनकी क्या स्थिति इसकी जानकारी भी नहीं ली जा रही है ना ली गई है, और उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई। ज्यादातर मजदूरों को ये टीके क्यों लगाए गए, ये चीजें तो है ना कि मजदूरों को टीके लगाए गए और फिर क्या उन्हें पता था किस लिए लग रहा है? उनको ये बताया गया था कि नहीं ये वैक्सीन लगाई जा रही है कोरोना की, बाद में बहुत ज्यादा महंगी लगेगी, अभी सस्ते में हम आपको पैसे दे के लगा रहे हैं, ये चीजें बहुत अच्छी है कि आपको 750 रुपए दिए जा रहे हैं, और पैसे दे के पैसे की लालच में आके ज्यादातर मजदूरों ने ये कि हमारे घर गृहस्थी का काम चल जाएगा, 750 रुपए आ रहे हैं इसलिए उनने वैक्सीन लगवाई, बाकी ये और कुछ भी रीजन नहीं था उनका कि उनके घर की स्थिति के हिसाब से उन लोगों ने लगवाया है ज्यादातर टीका। तो ये नहीं पता था कि ट्रायल हो रहा है? हाँ ये नहीं पता था, किसी को भी नहीं बताया गया है। जी सबसे मेन यही था कि अगर अपन किसी इंसान में या क्या इंसान तो छोड़ो जानवर के ऊपर ही प्रयोग करते तो उसके लिए बहुत सारे वो चीज रहते, और जिसके ऊपर प्रयोग करे उन्हें समझाया तो जाता है, कम से कम आधे घंटे तक समझाना चाहिए उन्हें कि भैया तुम्हारे ऊपर प्रयोग हो रहा है और आप इसके लिए वॉलंटियर बन रहे हैं, तो कुछ भी नहीं बताए, यहाँ तक कि ये कागज तक नहीं हमारे पास। तो अभी आप लोग कोई कंप्लेन करेंगे या कुछ प्रशासन से? मैडम करना चाहेंगे क्योंकि ये तो छोटी, और फिर पुलिस वाले मैडम भगा देते हैंगे कि आप अभी नहीं करो, जब छोटी छोटी झगड़े में ही वो लोग भगा देते हैं कि कल आना कल करना कंप्लेंट, तो क्या करो? तो आप क्या चाह रहे हैं सरकार क्या करे? सरकार से यही चाहती हूँ कि हम लोगों को पूरी मदद दी जाए, और सरकार से यही चाहूंगी कि एक मकान तो हमें दिया जाए क्योंकि हम किराया भाड़ा तो भर नहीं सकते मैडम, अब जो कुछ था हमारा पति था जो हमारे पालन पोषण के लिए थे वो पापा ही थे, अब पापा नहीं है। जी तो अभी कोई सरकार की तरफ से किसी ने कोई बात की है? एसडीएम सर आए थे, एसडीएम सर आए थे, उन्होंने भी पैसे दिए, चेक दिए 25,000 का, और दिग्विजय सिंह ने मेरे बेटे छोटे बेटे के दिल में छेद है, तो वो आज हाँ बचपन से, तो बचपन में तो हमें इलाज करवा रहे थे हम इंडिया में, पर मना कर दिए थे हमें कि ऑपरेशन नहीं करवाना, बहुत कमजोर था, तो अभी आज ही मतलब वहाँ से बंसल हॉस्पिटल से फोन आया कि आप बच्चे को पहुँचा, तो ये दिग्विजय सिंह ने ही बोला है, दिग्विजय सर ने बोला है कि हम इनकी आर्थिक मदद करेंगे और इनका भरण पोषण करेंगे, बच्चे का इलाज कराएंगे, ये बहुत अच्छी बात है कि वो आए यहाँ पे और इन लोगों से मिले, पीड़ित व्यक्ति लोगों से मिले और सब लोगों का मतलब आश्वासन दिया, यही चाहूंगी आश्वासन ना हो वो अपना काम करें उस चीज के लिए। The print visited Udiya Basti in Shankar Nagar, one of the areas in the campus vicinity which is inhabited by several daily wagers who earn anything between Rs 200 and 500 a day. For trial recruitment, residents said a vehicle used to come from People's University asking people to participate in the program. हमारे साथ हैं छोटू दास बैरागी जो कि इसी शंकर नगर से हैं। आपके साथ क्या हुआ था? मुझे यहाँ से ले गए गए थे और 750 रुपए दे के कोरोना का टीका लग रहा है। कब लगाया था? जी लगाया था मुझे 2020 6 तारीख को 12वें महीने, उसके बाद मुझे बुलाया गया था
अगले महीने 2021 को 3 तारीख जब मेरे को टीका लगा उसके दूसरे दिन 2 दिन बाद मेरे भाई को फोन लगा के हमने उनका नंबर दिया था, ये कह दिया गया कि आपके भाई को कोरोना है, आप उन्हें हॉस्पिटल लेके आओ। फिर हम हॉस्पिटल गए तो हमने बताया सर आपने बुलाया हमें, तो हम हॉस्पिटल गए तो उन्होंने हमें दवाई दी और कहा ये आप जाके भानपुर के, आपको कोरोना है ये बोला, जी ये बोला था, जाके भानपुर से कहा था कि भानपुर के मेडिकल से आप ये दवाई ले लेना। बात यह है कि मतलब जब आदमी अनफिट हो तो उन्हें टीका लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब मेरा जांच करी मेरी रिपोर्ट वगैरह तो एक आध दिन दो दिन बाद हमें बुलाते हैं, फिर आपको पता चल जाता मुझे कोरोना है तो मुझे टीका लगाते नहीं आप। उन्होंने बस जांच वगैरह की और आधे घंटे बाद मेरे को टीका लगा के 2 घंटे बाद समथिंग पैसे दे के पहुँचा दिया। अभी सरकार की तरफ से कोई मदद? अभी कोई मदद नहीं थी, बस वो उस दिन दवाई दी गई थी मेरे को बस, उसके अलावा अभी थोड़ा थोड़ा आराम लगता है, कभी हर कभी मतलब बुखार चढ़ जाता, 4-5 दिन की दवाई दी थी वो तो खत्म हो चुकी है, 2 दिन हो गया खत्म हो गए। हमारे साथ है मंजू। मंजू जी आपको कब लगा था ये टीका? 4 तारीख को अगले में दिसंबर में लगा था। तो क्या आपको बताया गया था किस चीज के लिए लग रहा है? ये बोलते रहे कोरोना का टीका है, हम लोग चले गए डर के मारा कि कोरोना वोना ना हो, अच्छा है टीका लग गया। आपको कुछ पैसा मिला? 750 रूपए मिला। और आपने कुछ साइन किया था कोई फॉर्म? कई जगह साइन करे है, तो हमारे को ब्लड प्रेशर दूसरी दफे गए 4 तारीख को, ये 4 तारीख को तो बोलते तुम्हारा ब्लड प्रेशर तुमको नहीं लगे, तुम घर जा, तो बोलते कि दवाई ले, तो दवाई लेने गए कहीं नहीं मिली दवाई हमको। अच्छा उन्होंने खुद नहीं दी दवा हॉस्पिटल में? नहीं नहीं। और ये भी नहीं पेपर वेपर भी नहीं दिया था? नहीं वो पेपर रख लिए थे ना। अच्छा पेपर रख लिए थे, बोलते क्या करोगे अब पेपर को भूल जाओ तू। अच्छा। ऐसा बोलते रहे। हमारे साथ है गुलाब पासी। आपको कब टीका लगा था? मेरे को दिन लगा था, मैं बैंक गई थी पैसे जमा करने, यहाँ नहीं जो वो रोड है ना 80 फीट रोड, वो होशंगाबाद रोड पे, वहाँ पे मेरे को नहीं बहुत से लोगों को लगा रहे थे। बस वहीं खड़े करके? नहीं नहीं बाकायदा जांच कर रहे थे, सुई वगैरह डाल रहे थे। मतलब अस्पताल ले गए थे या रोड पे कर रहे थे? रोड पे जैसे काम वाले लोग भी थे उन लोगों को भी रोक रहे थे। अच्छा तो आपको क्या बताया था किस चीज के लिए है? ये वायरस उड़ रहे हैं ना जो इसके, तो कह लगे ये हम आपको फोन करते रहेंगे, अगर आपको कोई तकलीफ हो तो कह लगे आप हमको फोन कर देंगे। आपके बेटे ने पढ़ा था जो फॉर्म भरवाया था? पढ़ा है ना वो। अच्छा आप भी नहीं पढ़ पाए? नहीं ना मैं भी अनपढ़ हूँ। तो आपको पता नहीं था क्या लिखा है उसमें? हाँ लेकिन वो लिखा ना इतने चौड़ी चिट में था। अच्छा और आपको पैसे दिए थे? हाँ नगद दिए थे 700 रुपए, तो मैं तो ले नहीं रही थी। अच्छा तो मैं लड़का कहना ले लो, लेने में क्या जा रहा। उसके बाद से कोई तबीयत ठीक है आपकी? नहीं हाँ कुछ भी नहीं होता बेटे। एक ही लगा है आपको या दो बार? अभी एक तारीख आएगी ना तब दूसरी बार। हाँ तो क्या लग गए कि आप इसको लगवा लोगे ना तो वायरस वगैरह नहीं, तो कोई तकलीफ ही नहीं हो रही बेटे, तो अपन काय को झूठ बोले। हाँ नहीं नहीं तो आपकी तबीयत पहले से खराब रहती है? हाँ मैं गेस्ट फ्री थी ना, तो मेरा वो है ना भोपाल हॉस्पिटल वहाँ से इलाज। तो आपको पता कैसे चला था कि टीका लगवाना है? यहीं पे गाड़ी आ रही थी। अच्छा ऐलान दे रही थी। क्या ऐलान कर रही थी? कि टीका लगवा लो और नहीं लगवाओगे तो बाद में पैसे दे के आपको फिर लगवाना पड़ेंगे, इससे हम अभी 750-750 रुपए दे रहे हैं और टीका लगवा लो। उसके बाद से आपकी तबीयत ठीक है? नहीं जब से ही मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई नहीं, मैं बिल्कुल अच्छा था। क्या हो रहा है, तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है जुकाम हो रहा है, जुकाम बढ़ने के बाद बुखार आना, और बुखार आने के बाद में अब हाथ पैर भी मेरे सुनने से पड़ रहे। आपने पेपर पढ़ा था साइन करने से पहले? नहीं हमने पढ़े होते तो साइन नहीं करते, हमने ना साइन करो ना अंगूठा लगाया। आपने अंगूठा लगाया था? नहीं कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। The procedure we are adopting, I am very very sure that each and every individual has been counseled properly, has been told about that what we are doing, what is placebo, what is vaccine and what is IP. Because when we talk of trial, the trial will say it is IP, it's not vaccine.
विद प्रवीण जैन. दिस इज नीलम पांडे रिपोर्टिंग फ्रॉम भोपाल.